बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित पिंटू शर्मा एवं अविनाश गौतम ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर आज के मुख्य यजमान मधुकर कत्याल एवं गितेश से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो मन पर अनुशासन रखता है वही मनुष्य है। उन्होंने कहा कि दया धर्म संतोष धैर्य कर्मठता विवेक विचार संयम उद्यम साहस और प्रसन्नता ये 11 महान रत्न रूपी सद्गुण हैं, जो कि जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए पग पग पर मदद करते हैं। मंदिर परिसर में COVID-19 के डायरेक्शंस के अनुसार सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन मास्क इत्यादि का विशेष ध्यान रखा गया। इस अवसर पर गुरबाज सिंह बलजिंदर सिंह एडवोकेट राजकुमार राकेश दिशांत राकेश महाजन मुकेश चौधरी जसविंदर सिंह सुरेंद्र सिंह राजेंद्र कत्याल संजीव शर्मा शेखर सेठ मधुकर कत्याल मानव शर्मा अभिलक्ष्य चुग अशोक शर्मा सुरेंद्र सौरभ मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सेवक मधुकर कत्याल और गितेश दा बर्थडे है। जिदा कि सानू महामाई वालों हुक्म है भी ना जाना मैंने होटल वोटल ना जाना बाजार माँ के द्वार जाना है जन्मदिन वहीं मनाना है। अज बहुत ही विशाल लंगर लगाए गए और दोनों बच्चों ने सवेरे मुख्य यजमान की भूमिका निभाई है। महामाई ऐदा ही दोनों के परिवार के उत्ते अपना आशीर्वाद रखे और इन्हों का जोड़ा जन्मदिन है वो भी इन्हों बहुत बहुत मुबारक है। महामाई की कृपा के नाल उन्होंने चरणा लगा के सोपे डाले गए हैं। महामाई शरीरिक रोगता दे घर परिवार सुख शांति दे और अपने सारे भगतों को अतुलित बल दे अपने स्थान पर आन का हवन यज्ञ के बैठन का और हवन यज्ञ के आहुतियां डालन का। शनिवार एक बहुत विशाल हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा बसंत पंचमी के उत्सव से बहुत ही विशाल होएगा हवन यज्ञ। बसंत पंचमी जिन्हों की श्री पंचमी भी कहा जाता है इस दिन माँ सरस्वती की पीले कपड़े डाल के पीले पुष्पों नाल भी पूजा की जाती है और माँ बगलामुखी धाम से उस दिन शनि महाराज जी का हवन यज्ञ है। उसके उपलक्ष्य के बसंत पंचमी का भी हवन यज्ञ विशेष आहुतियां डाली जाएगी और विशेष हवन समग्री डाली जाएगी। कोई भी भगत सेवादार हवन यज्ञ च शामिल होना चाहता है अपना नाम सानू जरूर नोट करा दे ता जो असी ओदे लोड़ीं दी समगरी है ओदा अरेंज करके रखिए। जय माता।